Bismillah ar-Rahman rahim Sadri wa Amri wa Hallu Lisani Yafkahu Kauli. Very warm welcome to lesson, which is very much important in a sense that it is about the knowledge-based social entrepreneurship. This is the point where we are reaching is the highest level of entrepreneurial idea. Humne dekha ke humne इकोनॉमी से लेकर इसको प्रॉफिट मेकिंग पे देखा फिर हमने देखा कि एक माशरे को ये कैसे तब्दील करती है एक माइंडसेट को देखा एक साइकोलॉजी को देखा एक बिहेवियर को देखा फिर लोगों के अंदाज को देखा लोगों के इनसाइट को देखा इंस्टिंक्ट को देखा फितरत को देखा जबिलत को देखा और आदत को देखा फिर हमने यहां तक देखा कि फितरत और जबिलत तो तब्दील नहीं हो सकती लेकिन आते तब्दील हो सकती हैं तो उनमें से कोई एक शख्स लीड लेगा जो एक शख्स लीड लेगा वो एक नई तकसीम करेगा ऐसी तकसीम करेगा कि जो बिज़नेस के आइडियाज़ हैं जिसमें सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग है और दूसरा जो आइडिया है वो ये है कि सबको साथ लेकर चलने की तकसीम एक वो आइडिया जो उससे पहले हमेशा से लफ्ज़ तजारत इस्तेमाल होता था लेकिन नबी करीम अलैहि वसल्लम के बाद लफ्ज़ मसावात आ गया यानी आपके पास दो प्लेटें तो एक अपने भाई को दे दो आपके पास दो खेत हैं तो एक अपने भाई को दे दो सो तो तो इस तरीके से एक शेयरिंग बेस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया तो शेयरिंग बेस के बाद हमने फेथ बेस इकोनॉमी के ऊपर भी बात की और आज मुख्त नज़रियात में देखते हैं तो हमारे माशरे के अंदर बहुत तेजी से पैसा कमाने की धुन है हमने शम्पीटर को भी भूल गए वेस्टर्न फिलोसफर्स को भी भूल गए हमने मज़हबी आइडियाज़ को भी भूल गए हमने कन्फ्यूशियस को भी भूल गए हमने बुद्धिस्ट आइडियाज़ को भी भूल गए हमने किसी भी आइडिया की खास तौर पे जो है वो तालीमात नहीं ली लेकिन एक ही आइडिया हमारी समझ में आया वो है प्रॉफिट मेकिंग प्रॉफिट मेकिंग इन सेंस कि आपको किसी भी तरीके से प्रॉफिट हो आपने प्रॉफिट लेना है क्या यही आइडिया एंटरप्रेन्योर का है जी नहीं इसीलिए हमने लफ्ज़ आइडिया को समझने के लिए इसको क्रक्स के तौर पर का फैसला किया कि इसको चैप्टर के अंदर आना चाहिए नॉलेज बेस्ड इकॉनमी जो है वो रिस टाइम के अंदर एक टर्म कॉइन हुई जिसको हम इलमत कहते मीशत को आप समझ लीजिए जिसकी बुनियाद के ऊपर सिर्फ धन दौलत आपका जो है वो कैपिटल नहीं होगा यानी कैपिटल के तौर पर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू मांगते हैं यानी सादा सादा आ, आ जो फॉर्मूला लगता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का नेट प्रेजेंट वैल्यू के बाद आप देखते हैं कि आपने इन्वेस्ट invest किया इन्वेस्टमेंट किया आ, के बाद आप देखते हैं कि आपने ब्रेक इवन तक पहुंचना है ब्रेक इवन के बाद जो है वो थोड़ा सा ऊपर इंक्रीज करेंगे तो आपका प्रॉफिट पॉइंट आ जाएगा ये आपके आइडियाज होते हैं एक सिंपल बिजनेस के आइडियाज यानी डू चेक एक्ट डू प्लान चेक एक्ट डू प्लान चेक एक्ट एक, एक। लेकिन मीशत क्या है यानी आपके जो बिजनेस है वो तो आपकी जो ट्रेंड्स होंगे उसको फॉलो करेगी एक टायर वाले ने टायर लगाया तो टायर ही लगते जाएंगे एक जगह जहां पर गंदम बिक रही है तो गंदम ही बिकती जाएगी यानी दरमियान के किसी गैप को जो है वो आप आइडेंटिफाई नहीं करते तो आंट्रप्रन का मतलब यहां तक तो हम समझ गए जहां कोई आइडिया ना हो एक नए ख्याल को पेश करना चाहे वो बिजनेस का हो सोशल आइडिया हो आंटरप्रनियरल आइडिया हो साइकोलॉजिकल आइडिया हो कैसा भी आइडिया हो वो आपका एंटरप्रेन्योर कहलाता है यानी आप इसमें आप किसी को भी जो है माइनस नहीं करार दे सकते हमारे बिजनेस में भी कईयों को सोचने वालों को हमें रखना होता है यानी एनालिस्ट को हमें अपने साथ लेकर चलना होता है यानी रखने का आइडिया जो है वो एम्प्लॉयमेंट का है और साथ लेकर चलना यानी हॉरिजोंटल लिंकेजेस का है मैंने जैसे आपको कहा कि एक वर्टिकल हैरार है और दूसरा हॉरिजोंटल लिंकेजेस है अब दूसरा हमने इसी के अंदर से समझना है कि ये जो नॉलेज बेस इकॉनमी है यानी मैशत यानी हाउ सोशल सोशलमेंट नॉलेज शेयरिंग नॉलेज शेयरिंग वर्नमेंट देखें कि आपका जो स्टारबक्स था उसमें आपने लफ्ज दे दिया न्यू ब्लैक अब क्या कॉफी तो हर कोई पीता है लेकिन इस वक्त का आइडिया स्टारबक्स का क्यों मशहूर हुआ और उसके बाद से होते होते आज तक बेशुमार कैफेज हैं फिर आपने देखा होगा दो तीन चार सौ तो सिर्फ लाहौर के अंदर मैंने चाय वाले देख लिए तो इतने सारा जो आइडिया बनता गया तो वो आइडिया क्या था वो न्यू ब्लैक का आइडिया ये था तो कैपिचिनो तो था टेस्ट तो डिफरेंट आ गए क्या कॉफी का ट्रेंड बन गया एक आइडिया था कि कॉफी कभी लोग देखते नहीं थे और उसको कहते थे एक बदबूदार तेल है शायद लेकिन कॉफ़ी आज जो है वो एक ट्रेंड तो बनी गई लेकिन उसके बाद क्या बना कि भाई एक ऐसी जगह देर इज अ स्पेस बिटवीन होम एंड ऑफिस देर इज अ स्पेस बिटवीन होम एंड ऑफिस ऐसी जगह जहाँ आप खामोशी के साथ एक नए ख्याल को सोचने के लिए इन्वामेंट के अंदर एक मज़े की ज़िंदगी गुजारते हुए आप अपना काम कर रहे हैं चाहे आप ऑफिशियल काम कर रहे हैं चाहे क्रिएटिव काम कर रहे हैं चाहे आप फ्री लांसिंग कर रहे हैं आप कुछ सोच रहे हैं आप घर और ऑफिस की एक नई दुनिया से एक नई स्पेस के अंदर आ जाते हैं जहाँ आपका दिमाग काम करने लग जाता है दिमाग एक अलग से एक याद रखिए कि एक बायोलॉजिकल सेंस रखता है उसको एक इन्वामेंट चाहिए ख़ास माहौल चाहिए ख़ास अंदाज़ चाहिए फिर वो सोचता है और फिर दुनिया से बहुत अलग सोचता है फिर दुनिया को एक अलग मिजाज देता है फिर दुनिया को एक अलग अंदाज देता है लेकिन अंदाज को भी बाजू का अंदाज दे देता है पैरामीटर्स को नए पैरामीटर्स दे देता है स्टैंडर्ड्स को नए स्टैंडर्ड्स दे देता है सो मूविंग ऑन टू दिस सिस्टम वो इन मॉड्यूल वन एटी द नॉलेज इकॉनमी विल टॉक अबाउट द नॉलेज रिप्लेसेस द ट्रेडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वन क्योंकि ये जो इलमी मीशत है वो प्रोडक्शन के बेसिक आइडिया को ही चेंज कर देती है यानी आपने बेहतरीन आइडिया जो है वो रिसोर्सिस को मिनिमाइज करके कहां से उठाना है वन प्रोडक्शन आर लेबर लेबर कैपिटल एंड एंड नेचुरल गेन द प्राइमरी रोल इन द पोस्ट इंडस्ट्रियल इकॉनॉमी सो दैट इज हाउ द पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी फॉर्म इन टू द डिफरेंट लेवल कि जहां प्रोडक्शन के ऊपर इतना कॉस्ट पड़ता था अब वो कॉस्ट आपको नहीं पाड़ा अब आप क्या कर रहे हैं आप आउटसोर्सिंग uh, कर रहे हैं आप uh, इसके लिए जो है वो सोगेटिव uh, आइडियाज़ ले रहे हैं सोरोगेसन यहाँ मैंने एक लफ्ज़ बोल दिया तो बिजनेस सोरोगेसन का आइडिया आप लिख लीजिए बल्कि आप इसको समझने के लिए इसके ऊपर तहकीकी मकालाजात भी लिखिए उस लिए क्योंकि सोरोगेशन होती है इसके ऊपर मैं बायोलॉजिकल टर्म्स में नहीं जाता लेकिन आप थर्ड पार्टी कर लीजिए इसके अंदर आप बेहतरीन आइडियाज़ के अंदर आपके पास ज़मीन है आपके पास स्किल सेट है और आप इसको चलाने वाले हैं तो यानी इस सोरोगेट बिजनेस आइडिया को आप लेकर चलें दैट इज द वन सिंगल जो मैंने आपको एग्जाम्पल देना चाहता था नॉलेज इकोनॉमी कि एक बायोलॉजिकल चीज़ तो है हमारे पास हम इसी से सीखकर कुछ और क्यों नहीं कर लेते यानी अगर पैदाइश के अमल में देखें तो एक मादा है एक नर है लेकिन एक नए नर को लेकर आप सिर्फ वोम इस्तेमाल करते हुए अपना जो आ, 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 एक नया वोम के अंदर बच्चे की पैदाइश है वो एक अलग तरीके से हो रही है यानी एक सोरोगेटिव आइडियान का आइडिया यही आप बिजनेस में अप्लाई करेंगे और बिजनेस सोरोगेशन के ऊपर आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा देन इज अ नॉलेज शिफ्ट द द फोकस ऑफ नेशनल टू इंफॉर्मेट इंफॉर्मेशन इंटेंसिव एंड इनोवेटिव ड्रिवन सेक्टर्स एज कंपेटिटिव एडवांटेज एंड द ग्रोथ ऑफ द नेशनल विल डिपेंड ऑन द नॉलेज क्रिएशन इनोवेशन आईसीटी यूज एंड ह्यूमन कैपिटल moreover the both in the product and service knowledge related activities in this new economy will continue to generate a more substantial portion of the economic output gradually this is how the knowledge economy is combined effect of ICT one innovation two skilled workers three and the knowledge people that create economic expansion ये इंपॉर्टेंट आइडिया है कि आपने लोगों को यानी पीपल प्रोसेस और इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर नॉलेज इकॉनमी को डिजाइन करना इन तीनों से बनेगा हम नए दौर में देखे हैं पोस्ट इकॉनॉमी के अंदर देख रहे हैं और पोस्ट इंडस्ट्रियल इकॉनॉमी में देख रहे हैं कि लोग जैसे ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं आप इंसानों को माइनस कर रहे हैं नहीं माइनस कर सकते आप इंसानों को आप प्रोसेसेस को काम नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है आप आईटी डिजिटाइजेशन रॉबट्स टेक्नोलॉजी आप जितनी मर्जी ऊपर ले जाएं लेकिन आप इंसानों और इंसानों की इनोवेशन और खुदाई अकलीत जो उसके अंदर दी गई है जो इबन खून से लेके कर इबन रोशद तक और बाकी तमाम लोगों ने लिखी और वेस्टर्न फोसफर्स ने भी लिखी कि इनोवेशन जो दिमाग और दिल के अंदर है और वैसे भी इसके बारे में लिखा गया कि दिमाग दिल और आंखें इन तीन को नूर से बनाया गया तो आप किसी नूर को माइनस नहीं कर सकते so here um, alfred marshall 1990 regarded the knowledge as a propulsive uh, element in the production system. he wrote, people accumulate capital by manipulating nature using knowledge through the production of goods or goods and services. for him, knowledge was integral part of human capital and trash in production factor of the labor. so in the production factor of the labor market, okay, the Now. मूविंग ऑन द नॉलेज इकॉनमी एग्जाम्पल की तरफ हम देखते हैं कि एक पोर्शन को देखिए मैं पाकिस्तान में थोड़ा सा आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ कि वो लोग जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल रेप्लिकेशन पर आ रहे हैं इट इस गुड फेडक्स की जगह आप टिडेक्स ले आएँ टैक्स ले आएँ टिपैक्स ले आएँ सो एंड सो फोर्थ कोई भी नाम लें आप काम भी शुरू कर देते हैं आपका क्योंकि डिजिटल इकॉनमी जब आना शुरू हुई और इसमें आपने देखें मार्केट प्लेसेस अब कम हो गई हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा हो गई है तो आपके कोरियर्स बढ़ जाएंगे तो कोरियर के लिए आप सर्विसेज तेज करते हैं ओके okay. बट याद रखिए रखिएशन हैं आपने ये काम कर दिया आप मिलियन ऑफ डॉलर को कमा लेते हैं फिर लेकिन आप भेट चाल की तरह ट्रेंड्स पर चले जाते हैं ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट एक आपने अडॉप्ट कर लिया वेल अन ऑफ आप एक वो दौर भी देखें कि मुस्लिम साइंटिस्ट के अंदर सिर्फ इम कलाम नहीं होता था आपके अदद इलम अदद नहीं होता था इल्म तबियात नहीं होती थी Uh, कीमिया का इल्म नहीं होता था बल्कि सत्रह सत्रह अलूम में एक आदमी माहिर हुआ करता था सो इन दैट केस आपकी इनोवेशन इस दर्जे की होनी चाहिए कि आप नई नई चीजें बनाएं मसलन अब दुनिया क्या से आ रही है द थ्रेटिकल अंडरपेनिंग ऑफ द दम्पीटर ग्रोथ थेरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिज वर्क वेर ही कंक्लूड दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स ओनली थ्रू द इनोवेशन विच आर न्यू कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन ऑफ द रिसोर्स जैसे मैंने आर्स की

फिर उसके बाद एयरबीन ने दे दिया एमेजॉन आ गया इनोवेटिव का कांसेप्ट आ गया एक्सलेंट आइडिया पाकिस्तान नीड्स दैट फ्रीलांसिंग सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस पे भी वापस आना चाहिए देन इज अ गूगल फिर उसके बाद इंटेल भी आया पेरिस्टेक आया सो एंड सो फोर ये चीजें बढ़ती रहेंगी लेकिन जो नई एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपके सामने अर्ज करूं कि टेस्टा का आइडिया हो गया लेकिन टाटा को भी माइनस नहीं किया जा सकता थर्ड वर्ल्ड कंट्री का सब्जेक्ट टेस्ला नहीं हो सकता थर्ड वर्ल्ड का थर्ड वर्ल्ड आइडिया का आइडिया जो है वो सैटेलाइट यूनिट्स के अंदर आपने मीडिया चलाना नहीं हो सकता आपका आइडिया ये है कि आप मोबाइल के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं so, सो हमें अपने कल्चर स्ट्रक्चर बिहेवियर्स और इन सारी चीजों को देखकर अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इकोनॉमी और सोशल इन्वायरमेंट की तरफ देखना पड़ेगा दिस इज द आइडिया वीर वी नीड टू थिंक ऑन और फिर हम देखते हैं कि हमारी बिजनेस डायरेक्शन किस तरफ जाती थैंक यू वेरी मच